अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये फ्यूज़र है इसका 5855 का, ये मैंने खोला हुआ है। अच्छा, ये जो है फ्यूज़र फेलियर बार बार दे रहा था और वार्म नहीं हो रहा था और एरर दे रहा था ये। तो जब मैंने इसको खोला तो इसका एक थर्मोस्ट्रिप जो है वो ट्रिप हुआ हुआ है और दूसरा सही है। अच्छा, इसकी पहचान ये कि कैसे आप चेक करोगे कौन सा ट्रिप हुआ और कौन सा ट्रिप नहीं हुआ हुआ, तो ये आप इसको देखोगे ना तो इस पर आपको थोड़ा सा उभारपन महसूस होगा। मतलब स्ट्रिप की इसके अंदर जो पट्टी है ये बीच वाली, इसको आप हाथ लगाओगे तो ये उभारपन जैसे लगेगा कि गोलाई इसकी ऊपर की तरफ है और जो ट्रिप हो गया होगा वो अंदर की तरफ चला गया। असल में ये पहले भी खुला हुआ था, उसकी शक्ल इसलिए आपको ऐसे नज़र आ रही है, ये अंदर की तरफ गया हुआ है। तो अब इसको खोल के इसको सेट करना पड़ेगा और इसको वो पट्टी को वापस ऊपर लाना पड़ेगा। तो इसका मैं तरीका बताता हूँ कि आपको अगर फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं तो कैसे उसको करेंगे, क्योंकि ये पूरा अगर आपने खोला तो ये बेकार ही हो जाएगा। या फिर इस कनेक्शन के ऊपर तार बांध दें बारीक, तो वो टूट जाएगा बिल्कुल बारीक तार। और नहीं तो अगर ये लगा हुआ है तो फिर इसको जो है आपने क्या नाम है इसको साइडों से यहाँ से थोड़ा सा कोई बारीक पिन से ऊपर करना है पट्टी को, और अंदर से जो है ना पिन को अंदर से डाल के उसको ऊपर की तरफ उठाना है तो ये बाहर आ जाएगा। तो इसको मैं तरीका बताता हूँ कैसे करना है। पहले सबसे पहले इसको खोल लेना है, ये आ गया हाथ में। अब मैं इसको तरीका बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। ये नया भी हो जब तो आपने इसको ऐसे ही साइड से खोलना है, क्योंकि अगर आपने पूरी पट्टी हटाई तो ये बेकार हो जाएगा और अंदर फिर बाद में बंद नहीं होता। तो प्यार मोहब्बत से इसको खोलें, और ये मेरे पास ये सुई है थोड़ी हार्ड वाली सुई ले लीजिएगा, वरना ये जो है ना मुड़ती रहेगी। ये अंदर चली गई ना, अब इसको ऐसे उठाना है ऊपर की तरफ, देखें ये उड़ गई और अब ये बाहर आ गई। अब आपने इसको वापस बंद कर देना है। एहतियात से बंद करना है, क्योंकि ज़रा सा आपने दबाया नहीं और वो पट्टी वापस अंदर प्रेस हो जाएगी। और एक काम लाजमी कर दिए, जब आप इसको बंद कर दें तो ये फाइल से इसकी ये साइड है रफ कर दें, अगर ये उठी भी हुई तो ये हॉट रोलर काट देगी। हॉट रोलर से टकराएगी, और हॉट रोलर आपने नया लगाएंगे या पुराना लगा हुआ होगा या जेन्युइन लगा हुआ होगा तो उसका बेड़ा गर्क कर देगा ये। तो बेहतर है कि चेक कर लीजिएगा लगाने के बाद कि हीट रोलर से ये टकरा तो नहीं रही, अगर टकरा रही हो तो इसको
सही तरीके से वापस फाइल कर दें थोड़ा सा इसको, क्योंकि आपने पट्टी उठाती है उठाते हैं तो फिर वो उसको जो है ना वो उभार उसका रहता है और वो देखें। अब ये तैयार हो गया, सही है। अब इसको फिट करते हैं वापस। ये देखिए, मैं आपको बता रहा था ना कि ये हीट रोलर को टच करता है तो फिर ये काट देता है। इसने यही किया था, इस जब ये पिछली दफ़ा खोला गया है किसी ने तो इसको ये टच मार रहा होगा और ये दोनों किनारियों से इसने काटना शुरू कर दिया उसको। तो अभी इसको मैं जब लगाऊंगा तो लगाने के बाद मैं इसको सही तरीके से चेक करूँगा कि ये क्या नाम है, इस पर टच तो नहीं मार रहा, वरना हीट रोलर बदली करेंगे तो दोबारा ये इसी जगह से काट देगा। तो ये पट्टी ज़रूर साफ़ कर लेगा, ये पट्टी जो है ना वो जब भी आप खोलें इसको तो ये साफ़ कर दीजिएगा, इस पर टोनर जम जाता है तो ये पेपर फोल्ड होता है फिर इस पर।